आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना अनाउंसमेंट का कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, पहले क्या था कि कॉल रिकॉर्डिंग करते थे तो दोनों को पता चल जाता था कि कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन अब क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो गूगल फ़ोन होता है जो डायल, उस अगर आपके पास है तो उससे सबसे पहले अपडेट कर लें। ये हर मोबाइल पर बाई डिफ़ॉल्ट रहता है। अपडेट करने के बाद जब ओपन करेंगे तो इस तरह से डायल पैड यहाँ पर जब आपका ओपन हो जाएगा तो 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सेटिंग पे चले आना है। और सेटिंग पे चले आने के बाद यहाँ पर जब सेटिंग ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे देखें बहुत सा ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो अननोन नंबर, तो इसे यहाँ पर इनेबल कर देना है और नीचे से ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग किसी को पता ना चले, दोनों पार्टी को पता ना चले, तो यहाँ देखें नीचे है प्ले ऑडियो टोन इंस्टेड ऑफ डिस्क्लेमर, ये जो ऑप्शन है ये डिसेबल है, आपको सिंपली इसे इनेबल करना होगा। और यहाँ पे देखा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप कॉल रिकॉर्ड करेंगे तो दोनों पार्टीज़ को पहले क्या था कि नोटिफाई हो जाता था, नोटिफिकेशन मिल जाता था कि कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर इसे ऑन करते हैं तो एक बीप टोन आवाज़ आएगा, बीप साउंड, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एग्री कर देना है। और जब आप यहां से एग्री करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। जब इनेबल हो जाएगा और जब आप कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो सिर्फ एक बीप साउंड जाएगा, आपको बताएगा नहीं कि इसका कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। वैसे तो यहां पे ऑडियो नहीं आएगा, आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन मैं यहां पे खुद करके देखा हूं। और जैसे आप यहां पे कॉल किसी को लगाएंगे और रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको बोलेगा नहीं कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है, सिर्फ एक बीप साउंड आएगा। तो मैं यहाँ पर करके देखा हूँ, खुद करके देखा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप बस एक सेटिंग को ऑन कर दे, आपका कॉल रिकॉर्डिंग का नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा।